बजट पर माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि बजट में रोजगार पर फोकस नहीं किया गया है, मजदूरों का ख्याल नहीं रखा गया है। वहीं सरयू राय ने कहा है कि आम बजट में कुछ खास नहीं है। सबसे बड़ा रोजगार का सवाल है, रोजगार सृजन का सवाल है, न्यूनतम मजदूरी का है, अनुबंध कर्मियों के मानदेय बढ़ाने का सवाल है, रिक्त पदों में सृजित हुई तो उस पर बजट जो ये चुप है उसमें लोगों को निराशा है। 27% बजट तो जरूर इन्होंने स्वास्थ्य में बढ़ाए हैं जो बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये खर्च जो है वो नियुक्तियों में कम, अपने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम, वो आयुष्मान कार्ड और एक तरीके से ये सारी राशियां फिर निजी अस्पतालों में जाएगी वो उसमें ज़्यादा दूर में। सबसे निराश करने वाला है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गाँव जो है सड़क से वंचित हैं और ग्रामीण विकास में जो राशि दी गई है वह अभी कम दी गई है और इससे अभी भी इस तमाम गाँव को सड़क से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये सबसे निराश करने वाली बजट पिछली बार से भारी भरकम नहीं है। पिछले साल जितने का बजट था उसमें साल में जो 3 अनुपूरक बजट आए तीनों की राशि जोड़ दीजिए तो इस बजट से 2000 रुपया अधिक है। यानी पहले साल का बजट 3 अनुपूरक का जोड़ ज़्यादा है इस साल के बजट से, इसलिए इस साल का जो बजट है ये लगता नहीं है कि क्या सोच कर बनाया गया है। इसमें समीक्षा नहीं है, विश्लेषण नहीं है पिछले साल का। अगले साल की योजनाओं की घोषणा तो है मगर इस साल जो योजनाएं पिछले बजट में घोषित की गई थी उनकी स्थिति क्या है, उनकी वित्तीय स्थिति क्या है, उनकी भौतिक स्थिति क्या है, वे कितना पूरा हुई हैं, इसकी कोई समीक्षा नहीं है। इसका अर्थ है कि अधिक से अधिक पैसा ये सिविल डिपॉजिट में और पीएल अकाउंट में डालेंगे तो इसके साथ इनको पिछले वर्षों के पीएल अकाउंट और सिविल डिपॉजिट का भी एक विश्लेषण देना चाहिए था ताकि स्पष्ट हो जाए कि जो झारखंड की सरकार है वह वित्तीय मामले में स्थिर मानदंड नहीं अपना रही है और जो सरकार का ढांचा है प्रशासनिक ढांचा वो प्रशासनिक ढांचा के पास इतनी क्षमता नहीं है कि जितने का बजट बनता है साल भर के भीतर उसको खर्च कर सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।